दिल्ली दंगे में वकीलों के अपॉइंटमेंट पर शुरू हुए विवाद में दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है वो नहीं चाहती कि दिल्ली पुलिस के वकील अदालत में मामले की पैरवी करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं जो कि दिल्ली पुलिस के निशाने पर हैं। आप काउंसलर ताहिर हुसैन, आपको बता दें कि पहले से ही हिरासत में है, उनको हालांकि पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था, मगर दंगों में आरोपी के तौर पे उभरे थे ताहिर हुसैन, और भी कई नेताओं का नाम सामने आया था ये जो दंगे हुए थे उत्तरी दिल्ली में। और बता दें कि अब वकीलों के अपॉइंटमेंट को लेकर एक विवाद छिड़ गया है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, और दिल्ली पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है वो नहीं चाहती कि दिल्ली पुलिस के वकील अदालत में मामले की पैरवी करें, क्योंकि बहुत सारे उनके खुद के नेता हैं जो कि इस समय इस मामले पे रडार पर हैं। आलोक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आलोक, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? जी बिल्कुल, जो कल जो रिजेक्शन हुआ है, जो प्रपोजल भेजा था नामों का लॉयर्स को लेकर के, उसके बाद एक प्रतिक्रिया आई है जो कि एलजी और दिल्ली पुलिस की तरफ से है, जो कि हमारे सूत्र बताते हैं कि आम आदमी पार्टी रूल कर रही है दिल्ली में। और दिल्ली, आपको याद होगा कि ताहिर हुसैन जो कि काउंसलर अरेस्ट हुआ था इस मामले में, जो रॉयट हुआ था चांदबाग और नॉर्थ ईस्ट इलाकों में, और उसमें एक वन ऑफ द एक्यूज्ड है वो, तो ऐसा, और वो काउंसलर है आम आदमी पार्टी का, तो इनका ये कहना है कि हो सकता है, और कई सारे अभी भी आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली पुलिस के रेडार पे हैं, और इसी के कारण से हो सकता है कि दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि जो लॉयर्स दिल्ली पुलिस अपॉइंट करे वो इस केस को, जो रॉयट के केसेस है उनको रिप्रेजेंट करे कोर्ट में। अब देखना ये होगा, बड़ा दिलचस्प होगा कि एलजी साहब की तरफ से अब क्या आगे के स्टेप्स लिए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो उनके द्वारा भेजे गए प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया है। जी शुक्रिया आलोक, इस मामले पर नजर बनाए रखिए, हम आपके पास अपडेट्स के लिए वापस आते रहेंगे।